अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरी जानिब से आप सबको, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, सबको ईद मुबारक और बहुत सारी दुआएं। तो आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए बनाना शुरू करती हूं। सबसे पहले मैं आपके साथ कबाब प्लेट तैयार करूंगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टिक्का बोटी बनाने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले विनीगर डालेंगे, सिरका 1 टेबल स्पून, और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी 1 टेबल स्पून, और ये टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, फूड कलर है वो 1/4 टीस्पून मैंने शामिल किया। 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिए, वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम बिहारी बोटी की तैयारी कर लेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए दही ले लेंगे 2 टेबल स्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट है वो 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून, और ब्राउन की भी प्याज है वो पीस लिए मैंने, वो 2 टेबल स्पून भर के। इसके बाद बिहारी बोटी मसाला 1 टेबल स्पून, और 250 ग्राम चिकन है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें। तो अब इसे भी 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम हरा मसाला चिकन तैयार कर लेंगे, तो इसके लिए हमें चाहिए दही 2 टेबल स्पून, और हरी जो चटनी है वो 2 टेबल स्पून, और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून, और उसके बाद गरम मसाला जो है वो 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, और ब्लैक पेपर वो भी 1 टीस्पून। उसके बाद चिकन 250 ग्राम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेशन करके। अब हम बनाएंगे तुर्किश कबाब, तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद मैंने दरमियाने से इसकी प्याज ले ली, इसको मोटा मोटा काट लिया था, अब इसको चॉपर में पीस लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये देखिए इतनी बारीक हो गई है। अब इसमें मैं और चीज़ें ऐड करूँगी। ये चिकन है 250 ग्राम, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद, और हरा धनिया आधी गड्ढी है, मैंने एक कप के जितने। डबल रोटी के 3 स्लाइस ले ली थी, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था जिससे बाइंडिंग अच्छी होगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है 1 टीस्पून, और कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च वो 1 टेबल स्पून। इसके बाद शिमला मिर्च मैंने ले लिए, 1 अदद मैंने ले ली बड़े साइज़ के, उसको छोटे टुकड़ों में काट लिया, और मक्खन 1 टेबल स्पून। अब इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। शिमला मिर्च मैंने हरी वाली ली थी, आप लाल भी ले, इसमें ज़्यादातर तो लाल वाली डलती है, लेकिन मुझे लाल मिली नहीं इसलिए मैंने हरी डाल दी। अब सबसे पहले मैं टिक्का बोटी की स्टिक तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने चंद स्टिकें ले लिए, और टिक्का बोटी फ्लेवर जो है सबसे पहले मैं ये डालूँगी स्टिक में, एक एक करके अच्छी तरह लगानी है। अब ये स्टिक हमारी तैयार हो गई, अब हम बिहारी बोटी स्टिक बना लेंगे। अब ये भी इसी तरह एक एक करके मैं सारी बोटियाँ लगा दूँगी इसमें, जितनी आ सके आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। ये मैं डबल करेंगे क्योंकि थोड़ा पतला था। इस तरह हम सारी लगा देंगे एक एक करके, देते मैंने पूरी स्टिक भर ली। अब इसी तरह हम हरा मसाला बोटी भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी दो तो तैयार रेडी हो गई, ये हरा मसाला की इसी तरह मैं तैयार कर लूँगी। ये देखिए किस तरह मैं डाल रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और ईद पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हाथों को हम तेल से ग्रीस कर लेंगे, आप चाहे तो पहले पानी से भी आप गीला कर सकते हैं। अब एक गोला ले लेंगे कबाब का, और ये जो मैंने स्टिक घर में बनाई है ना, आप भी बना सकते हैं। 5-6 से 7 अदद स्टिक ले लें, और फॉइल पेपर से इसको बंद कर दें, और यह स्टिक तैयार हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास 3 ही स्टिक तो मैंने ये बना ली। अब इसको हाथ गीले करके तो ये शेप दे देंगे इसका, तुर्किश कबाब का। हल्के हल्के हाथों से करना है, देखिए जिस तरह मैं कर रही हूँ ना, इस तरह आपको कर देना। ये देखें ये तैयार हो गई मेरी। अब हम ग्रिल पैन ले लेंगे, और इसमें 2 टेबल स्पून जितना ऑयल शामिल करूँगी, और मीडियम फ्लेम में इनको पकने देंगे। ये देखिए एक एक करके मैं स्टिक डाल रही हूँ इसमें, टिक्का बोटी, बिहारी बोटी, और हरे मसाला वाली बोटी, और तुर्किश कबाब, चारों मैंने लगा दिए। अब इसको 2 मिनट पकने देंगे। अब ये एक साइड से थोड़ी पक चुकी है, तो मैं इसको पलट दूँगी सबको। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, अगर मेहमान को खिलाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ करेंगे, तारीफ़ के बगैर तो जाएंगे ही नहीं।
ये इसी तरह देखिए कितना अच्छा कलर आया इसका। ये सब मेरी रेडी हो गई, अभी हमारी रेडी है। अब सर्विंग के लिए मैं एक रोटी ले ली चपाती, और इसमें ये चारों स्टिकें मैं रख दूँगी। सो व्यूअर्स, हमारा ये बारबेक्यू प्लेटर तैयार है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देके बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। अब मैं बनाऊँगी बीफ बिरयानी, इसके लिए हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको स्लाइस में काट ली थी मोटे मोटे स्लाइस में, और इसको हल्का ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के, वो भी मैंने लंबाई में चॉप कर लिए थे। इन सबको मिक्स अच्छे से करूँगी। उसके बाद एक तेज़ पत्ता डालेंगे और बिरयानी मसाला डाल रही हूँ, ये 1 कप। अब इसको अच्छे से मसाले को भूनेंगे। इसके बाद ये गोश्त को मैंने पहले उबाल लिया था लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, तो ये मैं 1 कप जितना डाल रही हूँ इसमें, और 1/2 किलो गोश्त। अब इसमें 1 टेबल स्पून लाल पीसी मिर्च शामिल करूँगी। लाल मिर्च डाल दी मैंने, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने 4 अदद आलू ले लिए, इसको बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिए 4 अदद आलू को, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि गोश्त उबला हुआ है पहले से। और ये 2 कप जितना मेरे पास पानी पड़ा हुआ है चिकन स्टॉक का, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको पकने देंगे 12 से 15 मिनट। ये देखिए अच्छे से पक चुकी है हमारे बिरयानी का मसाला। अब थोड़ा सा मैं नमक डालूँ क्योंकि मैंने बिरयानी का मसाला डाला था तो उसमें पहले से नमक शामिल था, तो मैंने नमक ज़्यादा नहीं डाला है, 1 टीस्पून जितना नमक डाला है। और ये फूड कलर है, ये भी 1/4 टीस्पून है, चौथाई। इसके बाद ये उबले हुए चावल है, 1/2 किलो चावल, तो भी मैंने पहले से बॉयल कर दिया था उसमें डाल दिया। अब ये पुदीना 2 टेबल स्पून जितना हरा पुदीना, और हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब मैं डाल दूँगी। हरी मिर्च 4 से 5 अदद है, और हरा धनिया 2 टेबल स्पून जितना है, और ऊपर से गरम मसाला छिड़केंगे थोड़ा, 1 टीस्पून जितना गरम मसाला इसमें डाल दिए, और दम पे रख देंगे। अब हमारी अच्छे से दम हो चुकी है, ये देखें कितना अच्छा कलर आया है बिरयानी का। आप ज़रूर घर में इसे ट्राई कीजिएगा ईद के दिन, और मुझे फीडबैक देकर बताएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अरेबियन चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, और इसके बाद सिरका डालेंगे वो भी 1 टीस्पून। चिकन टिक्का मसाला जो है वो 2 टेबल स्पून डालूँगी मैं। इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर है वो 1 टेबल स्पून, और जर्दे का रंग जो है वो 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें, ये देखिए 2 टेबल स्पून जितना मैंने पानी डाला है, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से मिक्स हो गई हमारी। अब इसके बाद चिकन में हम अच्छे से कट लगा देंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। ये देखिए हमारे कट लग गए, अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मसाला बनाया था मैंने, इसमें अच्छे से कोट करूँगी। अच्छी तरह मसाला लगाना है आपने इसको। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छे से लगा दिया मैंने, अब 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, 5 से 6 अदद मैंने आलू लिए हैं दरमियान साइज के, 1 आलू के मैंने 4 टुकड़े कर लिए थे। अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी, इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है ताकि अंदर से पक जाए। इसके बाद मैं चिकन इसमें शामिल कर रही हूँ, वो भी इसी के अंदर पकने देंगे। एक साइड हमारी पक चुकी थोड़ी सी, तो आप इसको पलट देंगे, ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है हमारा। उसी साइड से भी इसको पकने देंगे, इसमें और आलू भी पकते रहेंगे और चिकन भी पकती रहेगी। ये देखिए हमारी चिकन और आलू दोनों बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं, अंदर से कच्चे बिल्कुल नहीं है। ये देखिए हमारी चिकन तैयार है, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। अब थोड़ी सी मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली, 6 से 7 हरी मिर्चें ले ली मैंने, इसको भी तेल में फ्राई कर लेंगे, सिर्फ 2 मिनट फ्राई करना है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई मेरी हरी मिर्चें, तो अब इसको भी मैं निकाल दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये हमारी अरबियन चिकन तैयार है, और ये खाने में बहुत ही मज़े की लगती है, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। आप इसे नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ, आपको बहुत मज़ा देगा। अब मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।